प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरक स्वामी विवेकानंद और इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर B.L. चौधरी एंड डॉक्टर शंकर चौधरी। इसमें फर्स्ट चैप्टर है संक्षिप्त जीवनी। संक्षिप्त जीवनी में सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी क्षितिज पर भारत का ज्ञान सूर्य। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका यात्रा चीन, जापान और कनाडा होते हुए की और भी जुलाई 1893 के मध्य में शिकागो पहुँचे। केंटन में उन्होंने कुछ बौद्ध मठ देखे। जापान में उन्होंने औद्योगिक प्रगति और लोगों की स्वच्छता को देखकर सराहा। वे अब शिकागो पहुँचे तो पश्चिम के धन वैभव की चकाचौंध और अनुसंधान की प्रतिभा ने उन्हें अपनी मातृभूमि में अभाव झेल रहे लोगों के कष्टों की याद दिला दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि सितंबर तक धर्म संसद नहीं होगी और बिना अधिकृत पहचान पत्र के उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता। इस अनजानी जगह में बिना धन के कैसे जिए? वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करें, कैसे करें? फिर स्वयं को विधाता के सुपुर्द मानकर बोस्टन चले गए। वह शिकागो से कम महंगा था। रेलगाड़ी में उनकी पहचान श्रीमती कैथरीन सोनबोर्न से हुई, जिन्होंने उन्हें बोस्टन में अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। वहाँ भी विवेकानंद को अपने नित्य भोजन के खर्च के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा। कहते हैं सत्कार्य करने वालों की सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए ईश्वरी सहायता हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट के माध्यम से आई। वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए और उनसे अत्यंत प्रभावित हुए। स्वामी जी के संसद में भाग लेने की कठिनाई को जानकर उन्होंने धर्म संसद के आयोजकों के नाम यह कहते हुए एक परिचय पत्र पर लिखा, यहाँ एक ऐसा विद्वान व्यक्ति है जिसकी विद्वत्ता हमारे देश के सभी ज्ञानवान प्राध्यापकों से भी बढ़कर है। इस पत्र को लेकर स्वामी जी 9 सितंबर 1893 की शाम को शिकागो वापस आए। दुर्भाग्यवश शिकागो पहुंचकर स्वामी विवेकानंद ने पाया कि उनसे समिति का पता खो गया है। रात भर रेलवे के माल यार्ड में पड़े एक बड़े बक्से में विश्राम करने के बाद स्वामी जी प्रातः इस उद्देश्य से निकले कि इस संकट में उनकी कोई सहायता कर सके, परंतु अपमानजनक शब्दों के साथ उनके सामने ही द्वार बंद कर दिए जाते। निष्फल प्रयासों से थककर चूर सब कुछ ईश्वर इच्छा पर छोड़ वे सड़क के किनारे बैठ गए। अचानक सामने के भव्य भवन में से एक महिला श्रीमती जॉर्ज W. हेल उनके पास आई और सहायता प्रदान की। धर्म संसद 11 सितंबर 1893 को प्रारंभ हुई। मंच पर विश्व के कोने कोने से हर संगठित धर्म के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपनी बारी आने पर स्वामी विवेकानंद ने मन ही मन वाणी की देवी माँ सरस्वती को नमन किया और अपना भाषण इन शब्दों से शुरू किया, अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, तत्काल 7,000 श्रोतागण उनके सम्मान में खड़े हो गए और लगभग 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सभागार में गूंजती रही। स्वामी जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके तेजस्वी मुखमंडल से सब इतने प्रभावित हुए कि अगले दिन समाचार पत्रों में लिखा था कि विवेकानंद धर्म संसद की महत्तम विभूति हैं। धर्म संसद में स्वामी जी के पहले भाषण ने उन्हें इतनी ख्याति दिलाई कि शिकागो के विशिष्ट गणमान्य लोगों ने उन्हें अपने घर आमंत्रित करना शुरू कर दिया। पहले दिन उन्हें 1 करोड़पति के भवन में ले जाकर राजसी स्वागत किया गया। तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, किंतु स्वामी जी ना तो नाम और ख्याति के भूखे थे, ना ही उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की चाह थी। वे अपने देशवासियों के कष्टों को भुला नहीं पाए और आरामदायक बिस्तर पर रात भर सो न सके, नीचे भूमि पर पड़े पड़े बिलखते रहे। सुबह जब गृह स्वामी ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे अपने लोगों की दुर्दशा की याद आ रही थी। ऐसा था स्वामी जी का अपने भारत और भारतवासियों के प्रति प्रेम। धर्म संसद के शेष दिनों में प्रतिदिन लोग उनको सुनना चाहते थे और इस प्रकार उन्होंने मुख्य सत्र में भाषण दिए
और तकनीकी सत्रों में भी। उनके भाषणों में प्रमुख हिंदुत्व पर प्रपत्र पर उनका भाषण 19 सितंबर को था और 27 सितंबर के अंतिम सत्र में भी उनके भाषण को बहुत प्रशंसा मिली। शिकागो की धर्म संसद में जितने भी प्रतिनिधि थे उन सब में स्वामी जी ने अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान बनाया। संसद की समाप्ति के साथ ही अमेरिका के लगभग प्रत्येक भाग में स्वामी जी के प्रवचन प्रारंभ हो गए। जल्दी ही वे अमेरिका में जाने माने व्यक्ति बन गए। उन्होंने वहाँ निष्ठावान विद्यार्थियों की निःशुल्क वेद कक्षाएँ लेना प्रारंभ कर दिया और वेदांत सोसाइटी भी स्थापित की। उन्होंने राजयोग का लेखन किया और इंग्लैंड की दो सफल यात्राएं भी की। वहाँ उन्होंने जो व्याख्यान दिए वे आज ज्ञान योग के रूप में उपलब्ध हैं। वहाँ स्वामी जी के कुछ शिष्य बने जिनमें कैप्टन सेवियर व श्रीमती सेवियर और मार्गरेट नोबल प्रमुख हैं। मार्गरेट नोबल ही आगे चलकर भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। निकोलस टेस्ला जैसे कई वैज्ञानिक तथा अनेक प्रसिद्ध दार्शनिक व लेखक भी विवेकानंद के व्याख्यानों से प्रभावित हुए। भारतीय वेदांत दर्शन के व्यापक प्रसार के दौरान उन्हें मातृभूमि की याद भी सताने लगी।